अरे 7,000 यही सब काम करते हैं, तहसीलदार बनल है, परिवार से पैसा नहीं दिया, पैसा कल गल से नहीं सोच लगवाए भेट करते आए लाभुक से। अभी जस्ट फोन के लिए था जी मुखिया, कहेंगे तू तहसीलदार बनेगा, छोड़ रहा हटाओ ना, कहेंगे तू तहसीलदार बनेगा, बड़ी बीसी बन रहा है, पाँच के रहिएगा ना, पाँच के आइएगा ना, बड़ी बीसी बन रहा है, तब बीसी बन रहा है कोई सर उठा तो करवा दे रहे हैं, बीसी का सवाल है, करवा देगा ना, करवा देगा ना, जैसे आप आप आपको पहुंचा देता, अच्छा कोचिंग कोचिंग देगा, अपना आदमी है कोचिंग देगा खर्चा, तो आप कह रहे 3,00,000 पहुँचा दिया आपको, तो बैठक करेंगे सब बार लोग, ऐसे नहीं होगा, एक बार बैठक करेंगे इसके ऊपर, तब कुछ मुलायम होंगे। चल है नरेश, बता दो एक आध महीना, इधर पावर जी तो भीतर है, थोड़ा बता दे, चल नरेश चल यार उधर भी चलना, ए रोड ऊपर से निकाले हैं, चलो ना लाओ ना जल्दी यार, देख ली 7,000। इस वीडियो में बाइक पर बैठे जो व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं वो कई लोगों के द्वारा जो है वो दावा किया जा रहा है कि ये टेनकुप्पा प्रखंड के उतली 12 पंचायत के आवास सहायक के पति हैं, जो आवास योजना में पैसे देने के नाम पर जो है वो गलत तरीके से पैसे की वसूली कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो का पुष्टि जो है वो मैं नहीं करता हूं, हमारी न्यूज का टीम नहीं करती है, इस पर जांच का विषय है, लेकिन जो वीडियो कई ग्रुप में वायरल हो रहा है उसमें ये मतलब कुछ लोगों का यह मतलब साफ तौर पर आरोप है कि आवास सहायक के पति जो हैं वो नजायज पैसे की वसूली कर रहे हैं आवास योजना में। हालांकि इस वीडियो का पुष्टि मैं नहीं करता हूं, इस वीडियो पर जांच होनी चाहिए कि आखिर किस चीज़ का पैसा है वो व्यक्ति के द्वारा लिया जा रहा है, आखिर वो व्यक्ति है कौन, अगर मतलब वाकई में अगर ये व्यक्ति अगर आवास योजना के नाम पर पैसे की वसूली कर रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली होती है। धन्यवाद।